पीछे से आया और सटा के गोली मार दी तो गिर गए हम दोनों, गिरे गाड़ी पर से। फिर आया, फिर गाड़ी रोक के फिर आया तो फिर गोली सटा के पंजरी में गोली मारा दोबारा में। महुआ बाग में रहा हूँ ना, ओकरा मार देबो गोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, मैं हूं तनुज मासूम। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि दिन दहाड़े किसी को भी कहीं भी गोली मारी जा रही है। ताज़ा मामला अभी बेली रोड का है, जहां पर फुलवारी शरीफ के रहने वाले एक युवक चंदन कुमार को बेली रोड पे भीड़ भरे इलाके में 10 बजे दिन में गोली मार दी जाती है। हम आपको बता दें कि गोली लगने से उनकी वहीं पर मौत हो गई। उनके परिजन यहां पर अभी पोस्टमार्टम उनका चल रहा है, उनके परिजन हमारे साथ यहां मौजूद है। कैसे क्या कुछ करते हैं? जैसे हम जहाँ ऑफिस के लिए जा रहे थे तो देखे भाभी रास्ते में भेटाई कि भैया का गोली मार दी है। तो घटनास्थल पर हम पहुँचे तो देखे कि भैया वहाँ पर गिरे हुए थे, स्कूटी गिरा हुआ था। और भाभी बोली कि दो लड़का था, एक लड़का बाइक से था, आगे बाइक चला रहा था और काला लाल गमछी से वो बंधा हुआ था। एक लड़का पतले पतले था, लंबे लंबे था, वो लड़का बाइक सटा के उनका स्कूटी में गोली मार दिया और फिर आगे जाके फिर गोली रुक के गया बाइक और फिर वापस रिटर्न आके फिर तीन गोली मारा। क्या करते थे? मतलब ये प्राइवेट काम कर जॉब करते थे, मतलब सेल्स का भी काम करते थे। पुरानी दुश्मनी इनकी किसी के साथ रही हो? पुरानी दुश्मनी तो दो तीन आदमी से है, तो अभी उस पर काम कर रहा है। पुलिस को हम सारा बयान दिए हैं तो अभी पुलिस पे काम कर रहा है। आप कौन हैं? हम उनका फुफेरा भाई हुए हैं, ममेरा भाई हुए हैं। और क्या पटना सिटी में काम करते थे वो? हाँ, टिश्यू पेपर में। किसी से लड़ाई झगड़ा आप लोगों के नॉलेज में? हम लोग तो नॉलेज में नहीं। सबका क्या कार्रवाई कर रही है कुछ? पुलिस तो अभी अपना अभी सारा रिपोर्ट उनको दिया गया है, सारा अभी इनको जानकारी दी गई है। अभी पुलिस अभी सिटी एसपी बोले कि हम अभी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग से कुछ जब पूछताछ की जाएगी तो आप लोग प्रेजेंट रहेंगे। उनके दो बच्चे, एक बच्चे के 5 साल है, एक लड़का है जो 7 साल का है। निकले थे स्कूल? नहीं, स्कूल के नहीं छोड़े गए थे, वो अपने वाइफ को डॉक्टर से दिखाने के लिए गए थे। वो IGMS के लिए जा रहे थे, नाक में उनका थी प्रॉब्लम था वाइफ का, तो लेके जा रहे थे दिखाने के लिए। तो वहीं पे उनको सनाटा रोड दे के उनको वहीं पे मार दिया बाइक से। स्कूल छोड़ के उसके बाद? नहीं नहीं, बच्चा नहीं था, वाइफ थी साथ में। तो उनको वाइफ को दिखाना था डॉक्टर से और डॉक्टर से दिखाई वो ऑफिस रिटर्न हो जाते हैं, उसी बीच में उनको मारा गया। जैसा कि आपने सुना कि चंदन अपने घर से निकले थे अपनी पत्नी के साथ, उनका इलाज करवाना था IGIMS में, लेकिन रास्ते में ही अपराधियों ने उनको अपने गोली का शिकार बना लिया। आप यहां पर देख सकते हैं हॉस्पिटल के बाहर कितनी सारे उनके परिजन महिलाएं हैं, सबके आंखें नम हैं। अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पटना के नए SSP उपेंद्र शर्मा समय समय पर लगातार अपराधियों को पकड़ कर यह दावा करते रहते हैं कि अपराध कंट्रोल है पटना में, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस गोली कांड ने पटना के पुलिसिया दावे की पोल खोल कर रख देती है। हमारे साथ उनकी पत्नी, आप कहाँ जा रहे? इलाज डॉक्टर के पास जा रहे? डॉक्टर के पास जा रहे थे। अपराधी आया पीछे से? पीछे से आया और सटा के गोली मार दी तो गिर गए हम दोनों, गिरे गाड़ी पर से। फिर आया, फिर गाड़ी रोक के फिर आया तो फिर गोली सटा के पंजरी में गोली मारा दोबारा में। कितना अपराध है? दो। किसी से कोई पुरानी दुश्मनी लड़ाई? हम नहीं जानते, नहीं नहीं बोले थे ये। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तमाम महिलाएं बैठी है, सभी की आंखें नम है, काफ़ी परिवार को क्षति पहुंची है। उनके दो बच्चे थे, उनकी पत्नी इलाज के लिए जा रही थी, चंदन निकले थे कि पत्नी को हॉस्पिटल छोड़ के खुद वापस जाते ड्यूटी पर, लेकिन रास्ते में ही अपराधी दो की संख्या में आए, पीछे से उनके कंधे में गोली मारी और जब चंदन मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े तो वापस से फिर अपराधी आते उनके पीठ में कई राउंड गोलियाँ मारी। मौके पर लोग जो मौजूद थे उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही चंदन ने अपनी सांसें रोक दी। 2 महीना पहले कहा था हमारे बेटा के कि अरे तोरे मामा के नाम हो चंदन, तब बोला कि हाँ से महुआ बाग में रहा हूँ ना, ओकरा मार देबो गोली जे।
तो जाके बोला, जाके कहा, तो मैंने सोचा कि छोटा बच्चा है, मैंने ऐसी बोला, अगर दुश्मनी उससे चलता है, पुराना हम लोग से चलता है, हम लोग बात कर, उस भोला नाम है उसका, हाँ, अरे वो यानी एक भटनेड़िए में रहता है। क्या चीज़ को लेकर विवाद था, लड़ाई झगड़ा क्या चीज़? बहुत पुराना लड़ाई था हम लोग के, ऐसी संग में कभी जगह के जमीन के ई के बारे में उस समय चलता ही, माने पुराना ही दुश्मनी चलते आ रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे, मैं आपको लगातार यहाँ के अपडेट्स देता रहूँगा। पटना से सहयोगी शुभम के साथ मैं तनुज मासूम। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।